वेलकम टू जुडिशियल लॉ क्लासेस। ये जो वीडियो सीरीज चल रही है हमारी संपत्ति अंतरण अधिनियम की, उस सीरीज की फोर्थ वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे विबंध द्वारा अनुदान का जो पोषण सिद्धांत है संपत्ति अंतरण के अधिनियम, वह क्या है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके मुख्य बिंदु। हाँ, तो धारा 34 के अंतर्गत जो बात बताई गई उस मूल पाठ का आशय कुछ इस प्रकार है। क्या कहती है धारा 43? यानी जहाँ कोई व्यक्ति ऐसी किसी संपत्ति का, यानी जहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी संपत्ति का अंतरण करता है, ट्रांसफर करता है, जिसमें उसका कोई स्वत्व निहित नहीं है, यानी उसका कोई स्वत्व निहित है ही नहीं उस संपत्ति में, उसका क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, और अंतरिति उसे प्रतिफल स्वरूप प्राप्त कर लेता है, और जो उसको ले रहा है अंतरिति उसको प्रतिफल स्वरूप उस चीज को प्राप्त कर लेता है, संपत्ति को वहां अंतरिति उस संपत्ति का स्वामी बना रहेगा। यदि आगे चलकर अंतरक अंतरिति संपत्ति में हित प्राप्त ना कर लेता है, और यानी उसका स्वामी जब तक बना रहेगा जब तक वो अपना हित प्राप्त ना कर ले, और अंतरक व अंतरिति के बीच संविदा भी यथावत बनी रहेगी। ठीक है, तो ये मूल रूप से जो आपका विबंध द्वारा अनुदान का पोषण का सिद्धांत है उसकी बात है। ठीक है, इसका एक उदाहरण, इसको हम एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। का और खा आपस में पुत्र पिता का रिश्ता है, पुत्र पिता का। ठीक है, अब यहाँ पर घर के बंटवारे में खा के पास जो पिता है उसके पास घर का स्वत्व आ जाता है, स्वामी घर का पिता होता है। ठीक है, लेकिन का द्वारा जो घर का स्वामी नहीं है, एक अन्य व्यक्ति गा को घर बेच दिया जाता है। ठीक है, बिना पिता को अपने को बताए, और का द्वारा गा से ये कहा जाता है मेरा स्वामित्व है इस पर, इस तरह से उसको बताया जाता है, और गा इसको खरीद लेता है प्रतिफल स्वरूप। ठीक है, तो अब क्या है, भविष्य में क्या है कि पिता की मृत्यु हो जाती है, तो स्वत्व का के पास आ जाता है, तो अब ये संविदा जो है बरकरार रहती है, और जो अंतरिति है ये गा उसका पूरी तरह उपयोग कर सकता है और करता है, क्योंकि उसका इस तरह से संविदा के थ्रू वो संपत्ति को ले लेता है। ठीक है, अब लेकिन का गा से ये कहकर मना नहीं कर सकता है कि जब ये संपत्ति मैंने आपको बेची थी तो इस पे मेरे पिता का अधिकार था, तो ये अवैध अंतरण है, तो आप इस संपत्ति को नहीं ले सकते। ठीक है, ऐसा कहकर संपत्ति को वापस नहीं ले सकता है, क्योंकि गा का इसमें स्वत्व निहित हो गया है भविष्य के साथ में, तो ये संविदा जो है वो यथावत बनी रहेगी। ठीक है, ये एक इसका उदाहरण है। ठीक है, इसकी आवश्यक शर्तें देख लेते हैं, क्या है इसकी आवश्यक शर्तें। पहली आवश्यक शर्त है कि जो अंतरक है उसका संपत्ति में स्वत्व नहीं होना चाहिए। जैसा हमने उदाहरण में देखा, का द्वारा गा को घर बेचना, का का उसमें कोई स्वत्व नहीं था, फिर भी उसने इसको दे दिया। ठीक है, तो पहला इसका आवश्यक तत्व है कि अंतरक का संपत्ति में स्वत्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आवश्यक तत्व है संपत्ति का अपनी होना व्यपदेशित किया जाना, यानी ठीक है, यानी किसी व्यक्ति द्वारा अगर कोई संपत्ति दी जा रही है तो व्यपदेशित मिथ्या या फिर एक मिथ्या या भूलवश या जानबूझकर, ठीक है, ये सोचकर वो संपत्ति मेरी है, इस तरह का विश्वास दिलाकर दूसरे को दी जाती है, ठीक है, तो वो व्यपदेशन कहलाता है। तो संपत्ति अपनी है या व्यपदेशन होना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, तीसरा आवश्यक तत्व है अंतरक, ठीक है, जो संपत्ति दे रहा है के आश्वासन पर क्रय किया जाना चाहिए, यानी अंतरिति को ये आश्वासन दिया जाना चाहिए अंतरक द्वारा के वो क्रय जो किया जा रहा है वो मेरे द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अंतरक के आश्वासन पर क्रय किया जाना चाहिए। चौथा आवश्यक तत्व है अंतरण प्रतिफल स्वरूप होना चाहिए, यानी जो अंतरण किया जा रहा है उसमें कोई ना कोई प्रतिफल होना चाहिए, प्रतिफल स्वरूप होना चाहिए, बिना प्रतिफल के कोई अंतरण हो तो अवैध माना जाएगा। जैसे दान, दान में कोई प्रतिफल नहीं होता है, ठीक है, दान में कोई प्रतिफल नहीं होता है, और एक अवैध अंतरण, ठीक है, ये भी अंतरण क्या है, अवैध अंतरण, इन दोनों को इसके अंतर्गत नहीं देखा जाएगा सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, सिद्धांत के आवश्यक तत्व में पांचवा तत्व है, पांचवा, अंतरक को स्वत्व मिल जाना, यानी भविष्य के साथ में जो अंतरक जो है, ठीक है, उसको उसको अंतरक को क्या है, स्वत्व मिल जाना चाहिए। जैसे कि का को पिता की मृत्यु के बाद उसके ग्रह में स्वत्व मिल जाता है। ठीक है, एक उदाहरण के जरिए भी देख लेते हैं। का द्वारा
खा को बाइक बेच दी जाती है और जो बाइक वो होती है वो किसी अन्य व्यक्ति की होती है, लेकिन का इस तरह का उसको व्यपदेशित करता है कि उसी की बाइक है, लेकिन समय के साथ में उस बाइक पर अधिकार का आ जाता है, का को स्वत्व मिल जाता है, ठीक है, तब ये सिद्धांत जो है वो यहाँ पर लागू रहता है, ठीक है, बरकरार रहता है। तो अंतरक को स्वत्व भविष्य में मिल जाना चाहिए, ठीक है। छठवां इसका आवश्यक तत्व है संविदा का विद्यमान रहना, संविदा विद्यमान रहनी चाहिए, ठीक है, यानी संविदा यहाँ पर एक तरह से ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, संविदा को स्वत्व से लेकर जब तक संविदा बनी रहेगी तब तक उसको विखंडित नहीं किया जा सकता, ठीक है, यानी दोनों के जरिए, दोनों पक्षों के जरिए अगर विखंडित किया जाता तब विखंडित किया जा सकता है, वरना इस आवश्यक तत्वों में इस सिद्धांत के अनुरूप संविदा का विद्यमान रहना जरूरी है, ठीक है। आठवां आवश्यक तत्व है जो अंतरिति होता है उसके पास विकल्प होने चाहिए। अब अंतरिति जो होता है या तो उसके पास विकल्प होना चाहिए कि या तो वो लाभ को ले ले या अपनी क्षतिपूर्ति के लिए वाद ला सकता है, क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, तो अंतरिति जो होता है उसके पास दोनों विकल्प होने चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, ठीक है, यानी विबंध द्वारा अनुदान की पूर्ति का सिद्धांत। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर किया करें, थैंक यू।